से पहले मैं आज हम जिनके लिए इकट्ठे हुए हैं आदरणीय स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के लिए कुछ पंक्ति कहना चाहूंगी। संघर्षों का प्रतीक थे वो मानवता का रूप, संघर्षों का प्रतीक थे वो मानवता का रूप इस हरियाणा की माटी के, थे वो सच्चे सपूत जननायक चौधरी देवीलाल अमर रहे। आज मैं इस धरती पे आए जींद की धरती को सलाम करते हुए अपने बड़े बुजुर्गों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरे देश के प्यारे बच्चों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। साथ ही साथ आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष नफे सिंह जी राठी और सम्मानित मंच, मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आभार करती हूँ। मैं आज हरियाणा प्रदेश को धन्यवाद देना चाहूंगी कि आज जैसा कि हमने कहा था कि जींद से इतिहास रचा जाएगा, आप सब लोग देखें कि आज जींद से एक नया मोड़ रचा जाएगा। आदरणीय चौधरी देवीलाल जी के लिए मैं इतना ही कहूंगी कि संघर्ष अंग्रेजों के आज़ादी के समय से शुरू हुआ था, अंग्रेजों की बेड़ियां छोटी पड़ गई थी और उसके बाद जब हरियाणा प्रदेश 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा प्रदेश बना, उसके बाद से हर एक जन योजना का केवल और केवल अगर जड़ मिलेगी तो आदरणीय चौधरी देवीलाल जी मिलेंगे, चाहे वो जच्चा बच्चा की स्कीम है, चाहे वो कन्यादान राशि है, चाहे हमारे बुजुर्गों को सम्मान दिलाने के लिए बुढ़ापा पेंशन ही क्यों ना है। उसके बाद ओम प्रकाश जी चौटाला ने आप सबको, हरियाणा प्रदेश को, मैं जहां जहां भी मेरी माताओं बहनों के पास गई हूं, मैं आज उनकी बात इस मंच पर रखना चाहूंगी। मेरी जितनी चाची ताई हैं उन्होंने मुझे एक बात कही कि बेटी चौटाला वर्गा राज लिया दे, हम इस सरकार से बहुत दुखी हैं, हम इस सरकार से परेशान हो लिए, हमने महंगाई की मार और मारे बालका ने नौकरी भी कोना। मैं उन सबको ये कहना चाहती हूँ, मेरी जितनी भी चाची ताई हैं, मैं कहती हूँ ओम प्रकाश जी चौटाला ने आपको ऐसा राज दिया था तभी आप राज करते हैं, आप उन्हें याद कर रहे हैं क्योंकि इतिहास भविष्य का आईना होता है, इतिहास भविष्य का आईना होता है और जो हमारा आज है, आज हमारा वर्तमान जो है वो निर्णायक होता है। मैं आप सब लोगों से, समस्त हरियाणा से ये प्रार्थना करूंगी, आज यहाँ से निर्णय लेके जाए कि आने वाला समय ओम प्रकाश जी चौटाला का होना चाहिए, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, ओम प्रकाश जी चौटाला ने हमें ऐसा राज दिया है कि सरकार को आपके द्वार पे लाके खड़ा किया है। पिछले 10 साल के बाद आज आदरणीय चौटाला साहब आप सबसे मुखातिब होंगे और 10 साल का आपको इतिहास बता दूं कि पिछले 10 साल वो सत्ता से दूर और आप सब लोगों से दूर क्यों रहे, क्योंकि कांग्रेस की जो शीर्ष नेता है सोनिया जी को अपने दामाद की जेल दिख रही थी, हुड्डा साहब को अपनी जेल दिखाई दे रही थी, इसलिए उन्होंने ये साजिश रची और साजिश के तहत ओम प्रकाश जी चौटाला को जेल की सलाखों के पीछे आपसे दूर करने का ये साजिश की उन्होंने। लेकिन कहते हैं सच्चाई आप लोगों के सामने है और दादाजी एक बात हमेशा कहते थे, बोले किसान अपने और पराये की पहचान कर ले। आज जब इंडियन नेशनल लोकदल आप सब लोगों को ये आईना दिखा चुकी है आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला ने, केवल हिंदुस्तान में एक ऐसे नेता, मैं फख्र से कह सकती हूँ कि आदरणीय चौधरी देवीलाल का यदि कोई सच्चा वारिस कहलाने के लायक है तो आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला है, जिन्होंने किसान के साथ खड़ा होना अपनी शान समझी, कुर्सी को उन्होंने ठोकर मार दी। आज स्कूल का बच्चा भी अपने आगे की कुर्सी छोड़ के पीछे नहीं बैठ सकता, लेकिन ऐसे में अभय सिंह चौटाला ने एक ऐसे नेता होने का प्रमाण दिया है जो आदरणीय चौधरी देवीलाल जी को याद करवाता है। मैं अपने थोड़े शब्दों में, क्योंकि समय का बहुत कम है, लेकिन मैं हरियाणा प्रदेश की जनता से यह प्रार्थना करूंगी कि एक बार आप मौका चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला को फिर से देके देखना और अपने जितने, जैसा कि वो कहते हैं, 11 के टोटे 12 में पूरे करवाना, एक एक बच्चे को नौकरी देने का वो वायदा करते हैं। 86 साल की उम्र है उनकी, लेकिन उन्हें कोई राजनीति भूख नहीं है, लेकिन हरियाणा प्रदेश की उन्हें चिंता है। इसलिए मैं सब आप सब लोगों का
कहूंगी आपका यहाँ पधारने पे बहुत बहुत धन्यवाद। आज जींद में तो इतिहास रचा गया, राजनीति में नया मोड़ आ चुका है, इसलिए आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।